हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस यू आर एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, इसका दोस्तों कुछ कारण था। पहले दोस्तों हमारे घर में शादी थी, उसके कारण ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। उसके बाद दोस्तों मेरे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो अब से कंटिन्यू ब्लॉग आने वाले हैं। गाइस, रात को तो कब तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी, लगभग 3 बजे के आसपास। अभी गाइस सुबह 7 बजे हुए हैं और मैं खेत पर आया हूँ। दोस्तों हमारे साथ वंशु भी आया हुआ है। अगर आप वंशु को नहीं जानते हो तो मैंने आपको पहले ब्लॉग में वंशु से मिलवाया था। वंशु मेरा वान जाए तो मैं उससे भी मिलवा दूंगा। गाइस अभी खेत खाली है, कटाई करवा कर इनको छोड़ रखा है केवल। और ये देखो गाइस, नज़ारा देखो आप खेतों का, बिल्कुल एकदम उजड़ा हुआ सा लगता है। और अगर इनमें फसल उगी हुई होती तो ये नज़ारा काफ़ी अच्छा देखने लायक होता। दोस्तों ये है भी वान, मेरा वान जा। हाय तो कर दो, ऐसे कर दो, हेलो हेलो। वंशु बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा खेलता है, इस कारण पूरा मिट्टी में हो जाता है। अभी भी देखो इसके बालों में मिट्टी भरी हुई है। देव गाइस ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है, इसकी शैतानियों का। मैं तो बनाऊंगा, नहीं मैं तो बनाऊंगा। कार्टून। तो इसने फोन लेकर बदल दे मेरे हाथ से छीन कर। ये लो, ये बना दिए मैंने। 15 तुम्हारा वीडियो हुँ? तुम्हारा वीडियो बन रहा है बाबू का, अच्छा बनेगा। कौन है के? गाइस खेत की जुताई चालू है, इसमें पिलाऊ कटवाया जा रहा है। ये देखो ट्रैक्टर ने क्या बना दिया है? क्या बना दिया ट्रैक्टर ने बोलो। आलू पे लगा चिमनी निकाल दे। दोस्तों हम खेत से घर पर बाइक पर जाएंगे, और बाइक कौन चलाएगा? बाइक कौन चलाएगा? बाबू वंशु चलाएगा, चला लेगा। ये देखो गाइस पोहा पार्टी चलती हुई, कैसे लग रहे हैं बाबू पोहा? अच्छे या। ये देखो यहाँ पर बड़े भैया। गाइस शाम के 7:10 हो रहे हैं और मैं दिलीप और वंशु श्याम बाबा की आरती में जा रही हैं। हमारे गांव में मंदिर है, प्राचीन श्याम मंदिर, जो खाटू वाले श्याम मंदिर से भी प्राचीन है। तो हम वहां पर ही जा रहे हैं दर्शन के लिए, आरती में भी जाते हैं। दिलीप तो रोज़ जाता है, मैं आज ही जा रहा हूँ, सोचा आपको भी दिखा दूंगा, काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाया है। तो ये कार्टून देखो अपने मामा के कंधों पर बैठा हुआ है, घर से ये बोल कर आया कि मैं पैदल ही चलूँगा, पर रास्ते में आकर रोने लग गया कि मुझे तो कंधों पर बिठाओ, गोदी में लो। अब इसका मामा इसको देखो ऐसे लेकर चल रहा है। इस रास्ते में बड़े भैया की बाइक मिल गई, तो वंशु को तो आगे बिठा दिया है और हम बाइक से जा रहे हैं। ये रहा वंशु यहाँ पर। गाइस ये हमारे गांव का कसोरी चौक। गाइस हम मुंडर वाले प्राचीन श्याम मंदिर में पहुंच गए हैं। श्याम ने कुछ इस प्रकार बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है। और गाइस ये प्रूफ भी हो चुका है कि ये वाला मंदिर खाटू वाले मंदिर से प्राचीन है। और मैं आपको मंदिर के अंदर से भी दिखाने वाला हूँ और आरती के भी दर्शन करवाने वाला हूँ। गाइस ये है श्याम बाबा का मंदिर, अंदर से आप दर्शन कर लो, काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है और श्रृंगार भी काफ़ी अच्छा सजा रखा है। और गाइस अभी आरती होने वाली है, कुछ ही देर में हम 5 मिनट जल्दी पहुँच गए थे। गाइस यहाँ पर बेसमेंट में नीचे श्याम बाबा की एक और मूर्ति है, जो कि यहाँ पर ज़मीन में से निकली थी, और ऊपर वाला मंदिर बाद में बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों नीचे इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, इस कारण ऊपर ही मंदिर बनाया गया। फिर वहाँ से ही दर्शन करके लोग चले जाते हैं। और ये यहाँ पर वंशु
धोख लगा रहा है। गाइस श्याम बाबा की आरती लाइव भी होती है जो कि इंस्टाग्राम पर होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है मुंडू धाम के नाम से और ये इनका यूट्यूब चैनल का नाम है जहाँ पर रोज लाइव आरती होती है। आरती खत्म होते ही बाहर काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है, आप देख ही सकते हो। देखो काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है बाहर की तरफ, ये इस तरफ मंदिर है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और ये जा रहा वंशु, चलो बाबू जल्दी जल्दी। गाइस वंशु मेरी गोदी में है और घर की तरफ जा रहे हैं और इसको खानी है पताशी और मैं इसको पताशी नहीं खिला रहा, बाबू को नहीं खिला रहा मैं तो पताशी। बाबू पताशी थोड़ी ना खाएगा, नहीं खाएगा, ऐसे बोल दो नहीं खाएगा, बोल दो बोल दो बोल दो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। एक पिता तो मार। ये फिर से बाइक मिलती हुई हमें, बाबू नाना की बाइक मिल गई। बैठो तो फिर चले, टंकी पर बैठ जा। घर पर आ गया हूँ, अब इस ब्लॉग कहीं पेंट करते हैं। ऊपर से आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, फिर ब्लॉग डेली कंटिन्यू आने वाले हैं। सो इस मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं इसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।